एससी वर्मा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का न्यूमेरिकल 37। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम वी नॉट कंटेन्स एन आइडियल गैस एट प्रेशर पी नॉट एंड टेम्परेचर टी। गैस इज कंटिन्यूअसली पम्प्ड आउट ऑफ दिस वेसल एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रेट डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर, कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। द प्रेशर ऑफ द गैस बींग टेकन आउट इक्वल्स द प्रेशर इन साइड द वेसल। तो फाइंड, दो क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ द गैस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले पार्ट पे मोह थे, तो एक कंटेनर दिया है जिसका वॉल्यूम वी नॉट, प्रेशर पी नॉट और टेम्परेचर टी दिया है। इसमें आइडियल गैस दिया हुआ है और इसमें जो गैस है उसे पंप आउट किया जा रहा है, इसका गैस बाहर निकल रहे हैं और किस रेट से, तो डी वी बाई डी टी, मतलब जो ड्यूरेशन होगा डेल्टा टी, उस हर ड्यूरेशन के लिए डेल्टा वी डी वी इतना वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं, वो रेट फिक्स है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है। तो उस केस में हमें बोला है कि प्रेशर ऑफ द, प्रेशर फाइंड करो फंक्शन ऑफ अ टाइम, मतलब इस तरह का प्रेशर हमें फाइंड करना है कि कोई भी टाइम पर वो प्रेशर हम बता सकते हैं, मतलब उस टाइम का प्रेशर हमें बताना है। अब यहाँ पे आइडियल गैस दिया हुआ है, तो गैस इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम ये वेरिएबल्स होगी। तो जैसे वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाएगा उसका प्रेशर चेंज होगा, मतलब ये पी वी हमें आइडियल गैस दिया हुआ है तो वो बताता है कि ये कॉन्स्टेंट रहेगा। और इसके जो, इसमें जो चेंज आने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम हर बार हर टाइम पर ड्यूरेशन पर वो निकल रहा है बाहर, वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते तो प्रेशर, अगर वॉल्यूम में चेंज है डी वी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते तो प्रेशर में चेंज है, तो ये कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आए तो ये आ जाएगा। अब मतलब इस टर्म को अगर उस साइड में भेज देते तो ये वी डी पी इज इक्वल टू ये आएगा माइनस पी डी वी। अब ये P इस साइड में, P दूसरा P इस साइड में, P वाली टर्म्स चेंज इन प्रेशर एंड प्रेशर वाली चेंज टर्म्स एक साइड में लेते हैं अगर, और रिमेनिंग टर्म्स एक साइड में रख देते हैं, तो ये dP अपॉन ये यहाँ पे P आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस dV अपॉन P। और ये dV क्या है तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है, ये dV क्या है, ये R इंटू डी टी, ये dV क्या है R इंटू डी टी और ये डिवाइडेड बाई ए वी यहाँ पे। अब ये हमें प्रेशर फाइंड करना है किसी भी टाइम पर, मतलब जो प्रेशर होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो प्रेशर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इंटेग्रेट करते इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, ये इंटेग्रेशन कर दिया है यहाँ पे, तो ये डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू यहाँ पे इंटेग्रेशन इस टर्म का भी आर डी टी अपॉन वी। अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर, ये पी नॉट प्रेशर चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ, तो इनिशियली प्रेशर था पी नॉट और हमें जो फाइंड करना है किसी टाइम पर प्रेशर जो होगा, मतलब वो पी प्रेशर किसी टाइम पर, मतलब वो फंक्शन ऑफ टी होगा। और यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, ये डेल्टा टी, ये वी तो इसका वॉल्यूम है, यहाँ पे वी कंटेनर का वॉल्यूम है, तो डी टी टाइम चेंज हो रहा है कहाँ से, तो स्टार्टिंग से टी इज इक्वल टू जीरो से कोई टी टाइम की जिस टाइम पर हमें ये प्रेशर फाइंड करना है वो। अब ये इंटेग्रेशन का एक रूल, अगर ये इंटेग्रेशन इस फॉर्मेट में होगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी सपोज एक्स और उसमें चेंज आ रहा है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर पे होगा, मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक्स ये वेरिएबल एक्स और ये वैल्यू उसका डेरिवेटिव आ रहा है सपोज डी एक्स, तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन आता है ln ऑफ x, मतलब log टू द बेस e ऑफ x और कुछ लिमिट्स हो गए तो इसे लिमिट्स पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम सेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे, तो जैसे dx की जगह पे dp है और x की जगह पे p है, तो यहाँ पे ln x आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ p, मतलब यहाँ पे उसका log आएगा ln ऑफ p और इसके लिमिट्स है p नॉट टू pt, मतलब इसके लिमिट्स पी नॉट टू पी टी और इज इक्वल टू राइट साइड की टर्म, राइट साइड में क्या है, तो ये आर वी कॉन्स्टेंट से बाहर ले लिया आर और वी को, तो इंटेग्रेशन ऑफ डी टी, मतलब जैसे कि अगर इंटेग्रेशन ऑफ
एक्स हो डी एक्स होता है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, सभी डी एक्स डी एक्स को हम ऐड करते हैं तो एक्स मिल जाएगा। तो वैसे ही डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल को हम ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा टाइम आ जाएगा, तो वो आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी, और उसके भी लिमिट्स है जीरो टू टी। अभी लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट कैसे पुट करना है, एल एन पी, पी की जगह पे पहले लिमिट माइनस एल एन पी की जगह पे दूसरा लिमिट इज इक्वल टू ए आर अपॉन वी, और ये माइनस है, और ये टी की जगह पे पहला लिमिट पुट कर दिया माइनस, ये जीरो पुट करेंगे तो टर्म गायब हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ रहा है ए एल एन, पर फिर से यहाँ पे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, तो उसी तरह से यहाँ पे लॉन ऑफ पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन ए वी, और ये टी आ जाएगा। अब ई टू द बेस, अब इसका दोनों का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले देंगे क्योंकि ई टू द लॉग ये कितना आता है वन, तो इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ई टू द लॉग ये वन आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा पी टी अपॉन पी नॉट, दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल ले रहे तो यहाँ पे आएगा ई टू द जो भी पावर आ जाएगी राइट साइड में जो टर्म है वो आएगी पावर। अब पी प्रेशर फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी टी टाइम पर कितना प्रेशर होगा, तो ये पी टी इज इक्वल टू ये पी नॉट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ई टू द पावर माइनस आर अपॉन वी टी, तो ये होगा वो प्रेशर, ये होगा वो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर हमें टाइम पता होता है ये पी नॉट इनिशियली प्रेशर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आर तो वो रेट है कि उस रेट से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वो रेट भी कांस्टेंट है, ये वी इनिशियली वॉल्यूम जो होगा, तो ये टी जो है वो टी यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, तो किसी भी टाइम पर कितना प्रेशर होगा तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, तो प्रेशर जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर भी डिक्रीज होगा, इसलिए डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसे माइनस साइन आ रहा है, और ये कैसे डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली, मतलब इस तरह कैसा इसका ग्राफ आ जाएगा, तो इस तरह से प्रेशर ये पार्ट ए हो गया। बी पार्ट में हमें बोला है कि द फाइंड द टाइम टेकन बिफोर हाफ द ओरिजिनल गैस इज पम्प्ड आउट, मतलब वो टाइम फाइंड करो, हमें प्रेशर किसी भी टाइम पर हम अब फाइंड कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, लेकिन सेकंड पार्ट में बोला है हमें कि वो प्रेशर फाइंड करो, यहाँ पे वो प्रेशर कितना आना चाहिए, तो पहले जितना प्रेशर था इनिशियली उसका हाफ आना चाहिए, तो जब पहला प्रेशर था उसका हाफ प्रेशर बन जाएगा तो कितने टाइम के बाद वो बन जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसे, वो टाइम फाइंड करना है। तो देखो ये जो प्रेशर है किसी टाइम पर कितना होना चाहिए, जो पहले है उसका हाफ, मतलब ये प्रेशर हाफ बनना है, तो किसी भी टाइम का प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इसका फॉर्मूला है जो ओरिजिनल प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होता है आर अपॉन वी इस टाइम पर, तो ये टाइम भी फाइंड करना है, तो ये टाइम हमें फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं, ये तो पहले ये चला जाएगा तो ये रहा यहाँ पे वन अपॉन टू इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस आर अपॉन वी टी, हमें इस टर्म का चाहिए तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल को कौन चेंज करता है लॉग, दोनों साइड में अगर हम लॉग लेते हैं टेकिंग लॉगर लॉग ऑफ बोथ साइड, तो ये कितना आएगा लॉग ऑफ वन अपॉन टू इज इक्वल टू इस साइड में भी लॉग ऑफ ए वाला ई आर अपॉन वी टी, तो लॉग ऑफ ई क्या आएगा वन, तो एक टर्म सीधा सीधी लॉग ऑफ वन अपॉन टू इज इक्वल टू ये आएगा माइनस आर अपॉन वी, और ये टी, ये टी फाइंड करना है, ये टी फाइंड करना है, तो इसे थोड़ा सा इनवर्स लेते हैं, एक्चुअली एल एन मतलब ए टू द पावर ई, तो यहाँ पे लॉग ऑफ क्या टू लिखते हैं, मतलब इसका इनवर्स किया तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आर अपॉन वी और ये टी, तो ये माइनस दोनों साइड से चला जाएगा, हमें टी चाहिए तो ये वी इधर आ जाएगा वी एल एन टू, और ये आर यहाँ पे आ जाएगा,
तो उस टाइम पर ये टाइम होगा कि इस टाइम पर हमें जो प्रेशर होगा इनिशियली उसका हाफ प्रेशर मिल जाएगा।